हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज तिवारी आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में, सी शार्प डेटा टाइप्स। हम लोग बात करेंगे सी शार्प में डेटा टाइप्स कितने तरीके का होता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि तीन तरह के होते हैं, वैल्यू टाइप, पॉइंटर, रेफरेंस डेटा टाइप। इनके बीच क्या डिफरेंसेस हैं, वैल्यू टाइप कितने तरह का होता है, इसमें क्या क्या डेटा टाइप्स आते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप कितने तरह का होता है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़, क्या क्या डेटा टाइप्स आते हैं, तो आज हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं। हाँ, ये कहना बड़ा आसान है कि ये डेटा टाइप मीन्स इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, दिज ऑल आर डेटा टाइप, बट इनके बीच जो एक्चुअल डिफरेंस है उसके बारे में आज हम लोग समझने का काम करेंगे। और गाइस, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले के वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हमने जो .NET और C# की जो सीरीज़ शुरू की है वो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं, और उन सब वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो पर आएंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। हम आपको अपने YouTube का लिंक दिखा देते हैं, प्रोफाइल दिखा देते हैं। .NET Tips जो चैनल है, सबसे पहले गाइज आप जा रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है और फ्रॉम स्टार्टिंग वीडियो देखना है। सबसे पहले हम लोगों ने .NET इंट्रोडक्शन पे बात की है, डिफरेंस बिटवीन .NET एंड C# के बारे में बात की है। उसके बाद हमने .NET फ्रेमवर्क IL कोड के बारे में बात किया है, फिर हमने JIT के बारे में बात किया है, फिर हमने CLR के बारे में बात किया है, देन हमने मैनेज कोड वर्सेज अनमैनेज कोड के बारे में बात किया है, फिर हमने CTS CLS के बारे में बात किया है, असेंबली के बारे में बात किया है, रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोगों ने बात किया है, फिर हम लोगों ने टाइप कास्टिंग के बारे में बात किया है, फिर हम लोगों ने वेर एंड डायनामिक C# के बारे में बात किया है। गाइस, उसके बाद हमने .NET कोर और एंटिटी फ्रेमवर्क को लेके 2 आवर्स का क्रूड ऑपरेशन हमने डेवलप किया है। गाइस, अगर आप .NET कोर सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। उसके बाद हम लोगों ने रेफ एंड आउट कीवर्ड के बारे में बात किया है, फिर हमने SQL की जो कोर्स है उसको शुरू किया है, Part 1 SQL ट्यूटोरियल फॉर वेयर वी आर सीइंग लाइक क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल्स, इंसर्ट डेटा, तो उस पर हम लोगों ने बात किया। और गाइस, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेटा टाइप्स। कहना बहुत आसान है लेकिन इसको डीप में जब समझेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा कि कितना मेजर चीज़ है डेटा टाइप्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। आज हम लोग C# के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले गाइस, C# डेटा टाइप्स कितने तरह का होता है, तो C# डेटा टाइप जो होता है तीन तरह का होता है। जो मेजर होता है, पहला वैल्यू टाइप होता है, दूसरा रेफरेंस टाइप होता है, एंड देन थर्ड नंबर पे आता है पॉइंटर डेटा टाइप। तो हम इन तीनों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं आज। जो पहला है हम लोगों का वैल्यू टाइप, जो दूसरा है हम लोगों का रेफरेंस टाइप, जो तीसरा है हम लोगों का पॉइंटर डेटा टाइप। हम तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैल्यू टाइप के बारे में। गाइस, प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, विजुअल स्टूडियो के साथ प्रैक्टिकल करके हम आपको दिखाने वाले हैं। वैल्यू डेटा टाइप जो होता है दो तरह का होता है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसमें प्री डिफाइंड डेटा टाइप में इंटीजर और बुलियन और फ्लोट आते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में एनम और स्ट्रक्चर आते हैं गाइस। और रेफरेंस डेटा टाइप भी दो तरह का होता है, सेम एज प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स प्री डिफाइंड में ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग आते हैं और यूजर डिफाइंड में क्लासेस और स्ट्रक्चर आते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं। C# इज ए स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज, एंड स्ट्रॉन्गली टाइप मीन्स वी मस्ट नीड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ एनी वेरिएबल दैट रिफर द वैल्यू टाइप विच विल स्टोर इन वेरिएबल। यस, अगर किसी भी वेरिएबल में हम लोग किसी वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं तो हमको ये फोर्स करना होता है उस वेरिएबल के डेटा टाइप्स को, ताकि वो उसी तरह के वैल्यू को उस वेरिएबल में स्टोर करे। डेटा टाइप्स इन C# डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। डेटा टाइप्स इन C# डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज वैल्यू टाइप। वैल्यू डेटा टाइप विल डायरेक्टली स्टोर द वेरिएबल वैल्यू इन मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये मेमोरी, इसको याद रखना है। वैल्यू डेटा टाइप्स विल डायरेक्टली स्टोर द वेरिएबल वैल्यू इन मेमोरी। वैल्यू डेटा टाइप्स के एग्जांपल हैं शॉर्ट, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, etc, एक्स्ट्रा। और रेफरेंस डेटा टाइप है, रेफरेंस डेटा टाइप विल कंटेन ए मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल वैल्यू बिकॉज द रेफरेंस टाइप्स विल नॉट स्टोर द वेरिएबल वैल्यू डायरेक्टली इन मेमोरी। यस, मेमोरी बढ़िया। डिटेल में हम दिखाएंगे, डायग्राम पे दिखाएंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं गाइस। इस जो डेफिनेशन है इसका क्या मीनिंग है ये डायग्राम पे हम दिखाने वाले हैं।
रेफरेंस डेटा टाइप्स में हमारे आते हैं स्ट्रिंग, क्लास, ऑब्जेक्ट एंड इंटरफेस। यस, वैल्यू और एक रेफरेंस डेटा टाइप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। और प्री डिफाइंड में इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, एनम, और यूजर डिफाइंड में एनम स्ट्रक्चर। रेफरेंस डेटा टाइप में प्री डिफाइंड में जो आता है ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, यूजर डिफाइंड। तो गाइस इतना डीप में भी आपको नहीं जाने की जरूरत है। अगर आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर कोई पूछे कि इसी सब डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं, तो आप सिंपल से कह सकते हैं कि तीन तरह के होते हैं, वैल्यू टाइप्स, रेफरेंस टाइप्स एंड पॉइंट, थर्ड वन इज पॉइंटर डेटा टाइप। बहुत डीप में आपको प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड जाने की जरूरत नहीं है। हम डिटेल वीडियो बना रहे हैं तो ये बताना बहुत जरूरी है ताकि आपको ध्यान रहे। जो पॉइंटर टाइप होता है वो क्या होता है, द पॉइंटर डेटा टाइप विल कंटेन ए मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल वैल्यू। एग्जांपल पॉइंटर। रिमेंबर डेट इन सी शार्प एनी कोड इन्वॉल्विंग पॉइंटर रिक्वायर एन अनसेफ कॉन्टेक्स्ट। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल बात करेंगे गाइस। तो सबसे पहले वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप के बारे में जो समझते हैं, जो वैल्यू टाइप में लिखा हुआ है कि वैल्यू डेटा विल डायरेक्टली स्टोर द वेरिएबल वैल्यू इन मेमोरी, एंड रेफरेंस टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप विल कंटेन ए मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल वैल्यू बिकॉज ऑफ रेफरेंस डिड नॉट स्टोर द वेरिएबल वैल्यू इन डायरेक्टली। गाइस चलते हैं नेक्स्ट। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने एक वैल्यू टाइप लिया हुआ है वेरिएबल, ये हमारा जो है ये वैल्यू टाइप है, ये हमारा वैल्यू टाइप है गाइस, ठीक है। और ये जो हमारा है रेफरेंस टाइप है, ये हमारा रेफरेंस टाइप है। क्लास जो होता है रेफरेंस टाइप होता है, इंटीजर जो होता है वैल्यू टाइप होता है। वैल्यू टाइप में देखिए यहाँ पे डेटा टाइप्स में भी बहुत सारी चीज़ हमको सीखने को मिल रहा है। डेटा टाइप्स कितने तरह का होता है, वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप, स्टैक वर्सेस हीप। तो यहाँ स्टैक और हीप का कॉन्सेप्ट आता है। हमारे पास मेमोरी दो तरह के होते हैं, स्टैक और हीप, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, स्टैक एंड हीप। तो जो वैल्यू टाइप होता है वो जो वैल्यू सेट करता है स्टैक में सेट करता है, मतलब वैल्यू भी स्टैक में होता है और वैल्यू का रेफरेंस भी स्टैक में होता है। तो जो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि वैल्यू डेटा टाइप्स विल डायरेक्टली स्टोर द वेरिएबल वैल्यू इन मेमोरी, राइट। तो वही चीज़ है कि ये डायरेक्टली जो वैल्यू है वो मेमोरी में स्टोर करता है। स्टैक में वेरिएबल भी है, स्टैक में वैल्यू भी है। पहला लाइन यही कह रहा है, रेफरेंस डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप विल कंटेन ए मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल वैल्यू बिकॉज द रेफरेंस टाइप वुड नॉट स्टोर द वेरिएबल वैल्यू डायरेक्टली इन मेमोरी। यस, यहाँ पे देखिए क्लास वन ओबीजे जो है रेफरेंस टाइप है, तो यहाँ पे ओबीजे का रेफरेंस लिया हुआ है और ये जो वैल्यू सेव है वो हिप में सेव है। तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो होता है कि वैल्यू टाइप जो होता है, वैल्यू और वेरिएबल जो भी होता है वो स्टैक में स्टोर होता है, और रेफरेंस टाइप होता है वो सेव होता है हिप में, लेकिन उसका रेफरेंस जो है स्टैक में रहता है। तो आप दो चीज़ यहाँ समझ लिए, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप, देन स्टैक, डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड हीप। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर से रिविजन कर देते हैं। वैल्यू टाइप जो होता है वो सेव होता है स्टैक में वैल्यू एंड वेरिएबल, लाइक वैल्यू डेटा टाइप विल डायरेक्टली स्टोर द वेरिएबल वैल्यू इन मेमोरी, एंड रेफरेंस डेटा टाइप जो है वो वैल्यू सेव होता है हीप में, लेकिन उसका जो रेफरेंस है वो स्टैक में होता है। रेफरेंस डेटा टाइप विल कंटेन मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल वैल्यू बिकॉज द रेफरेंस टाइप वुड नॉट स्टोर द वेरिएबल वैल्यू डायरेक्टली इन मेमोरी। गाइस उसके बाद पॉइंटर टाइप पे हम लोग बात करने वाले हैं। गाइस पॉइंटर टाइप पे बात करेंगे, हम लोग कुछ विजुअल स्टूडियो में कुछ ओपन कर लेते हैं, विजुअल स्टूडियो में कुछ प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कैसे काम करता है। मेरे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट कंसोल, लेट्स उसी को ओपन कर लेते हैं। और गाइस इस वीडियो के बाद जो हम लोग अगला वीडियो आने वाला है, हम लोग उसमें बात करने वाले हैं SQL पार्ट टू के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रोसीजर और फंक्शन के बारे में। फिर हम लोग वैल्यू टाइप और टाइप टू रेफरेंस टाइप के और डिफरेंस को डिटेल में देखेंगे। फिर हम लोग बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस हम लोग मेथड ओवर लोडिंग, मेथड ओवर राइडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेसेस के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग डेलीगेट्स एंड इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग थ्रेड एंड टास्क के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड अपने फीडबैक, अपने कमेंट हमें ज़रूर भेजें, हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने वीडियो को और फ्रूटफुल बना सकें। गाइस चलिए विजुअल स्टूडियो में आते हैं और देखते हैं।
सबसे पहले हम लोग वैल्यू टाइप को चेक करते हैं। ये कमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है। वैल्यू टाइप इन द सेंस लाइक इंटीजर जो होता है वो हमारा वैल्यू टाइप होता है। हमने इंट आई में 10 किया, कंसोल डॉट राइट लाइन करेंगे तो ये प्रिंट करेगा। और रेफरेंस टाइप में हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग जो होता है हम लोग का रेफरेंस टाइप होता है, और इसमें हम एस इक्वल टू नीरज, एस इक्वल टू एस प्लस तिवारी, यानी कंसोल डॉट प्रिंट लाइन राइट लाइन हम कर रहे हैं। तो सिंपल सा है कि वैल्यू टाइप जो इंटीजर होता है, वैल्यू टाइप जो है हमारा और भी डेटा टाइप्स होते हैं जो कि हमने यहाँ एग्जांपल में कुछ दिया हुआ है, डिटेल भी आप देख सकते हैं। शॉर्ट इंट, कैरेट, फ्लोट, डबल, शॉर्ट इंट, इनके बारे में भी डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, आप मेरे हर वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, एंड देन हम आते हैं पॉइंटर जो थर्ड वन है। वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर टाइप, पॉइंटर टाइप के लिए जो कि मेरा स्टेटमेंट था यहाँ पे, द पॉइंटर डेटा टाइप विल कंटेन मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल वैल्यू, राइट। रिमेंबर दैट इन सी शार्प एनी कोड इन्वॉल्विंग पॉइंटर्स रिक्वायर एन अनसेफ कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि अनसेफ कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। अनसेफ कोड इन सी शार्प इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट रन्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द कॉमन लैंग्वेज ऑन लाइक। ये एक अनमैनेज कोड होता है। अगर अनमैनेज कोड के बारे में आपको नहीं जानकारी है, नहीं जानते हैं, तो मेरा मैनेज वर्सेज अनमैनेज कोड वाला वीडियो जरूर देखिए, मैनेज कोड वर्सेज अनमैनेज कोड। तो वैसे कोड जो सीएलआर के कंट्रोल से बाहर होते हैं वो अनमैनेज कोड कहलाते हैं। तो सिंपल सा है कि अनसेफ कोड इन सी शार्प इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट रन्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द कॉमन लैंग्वेज रन टाइम ऑफ द डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। गाइस, अनसेफ कोड में जब हम लोग थर्ड डेटा टाइप जो पॉइंटर का अगर हम कहीं यूज कर रहे हैं तो वहां पे अनसेफ कोड के थ्रू ही हम लोग पॉइंटर को यूज करते हैं। इस कोड को हम अनकमेंट कर देते हैं और इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ये एक वेरिएबल है, इसको हम पीएनटी कर देते हैं। गाइस, ये पॉइंटर लिखेंगे तो आप लोग लगेगा कि पॉइंटर कीवर्ड है, नहीं, पॉइंटर कीवर्ड नहीं होता है, मैंने नाम लिया था वैसा। इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पीएनटी कर देते हैं। गाइस, अब देखिए कि यहाँ पे एक एरर आ रहा होगा, अनसेफ कोड में ओनली अपियर इफ कंपाइलिंग विद अनसेफ। अनसेफ एक कीवर्ड होता है, इसको जब आप यूज करेंगे तो कह रहे हैं अनसेफ कोड में ओनली अपियर इफ कंपाइलिंग विद अनसेफ, आपको मार्क करना होता है कंपाइलिंग अनसेफ करके। आपको प्रोजेक्ट के प्रॉपर्टी में जाना होता है जो कि खुला हुआ है, हम प्रोजेक्ट के प्रॉपर्टी में आपको जाना होता है, हम आपको ले चल रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट के प्रॉपर्टी में जाना होता है, ठीक है, इसके बिल्ड में जाना होता है। और ये अनसेफ कोड अलाउ कोड डेट यू द अनसेफ कीवर्ड टू कंपाइल, इसको चेक करना होता है तभी जाके ये एरर हटेगा और आप प्रोग्राम को बिल्ड कर पाए। देखिए रेड रेड साइन जो है वो हट गया, ठीक है। तो अब पॉइंटर डेटा टाइप को हम लोग समझते हैं। एक इंटीजर वेरिएबल हमने लिया आई वैल इक्वल टू 50, ठीक है, ये वैल्यू टाइप है, एक दूसरा पिक्चर है ये, हम पॉइंटर के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंटर जो होता है स्टार और एंड से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। अब इस एक पॉइंटर हमने बनाया पी एन टी करके इंटीजर टाइप का, और इसमें आई वैल वैल्यू हम लोग इसमें इसका आई वैल वैल्यू का रेफरेंस रख लिया इस पॉइंटर में, ठीक है। अब आई वेल वैल्यू को यहाँ प्रिंट करा रहे हैं और इस आई वेल वैल्यू का जो इसमें रेफरेंस रखें इस पॉइंटर में, इस पॉइंटर के थ्रू इसका हम लोग एड्रेस निकाल सकते हैं। लेट्स सी, इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ आपको, अब ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ। ठीक है, अब आपको एक एक करके दिखाते हैं। इंट आई वेल इक्वल टू 50 है, यहाँ पे आई वेल जो है इस पॉइंटर में इसका रेफरेंस ले रहे हैं। तो अभी देखिए ये कुछ नहीं है, इस एड्रेस कुछ नहीं है इसमें, अब हम करते हैं इसमें एड्रेस आ गया, देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं और हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया इंटीजर में, जो भी डिकोडेड वैल्यू है इसको कन्वर्ट किया इंटीजर में। अब आप कंसोल डॉट राइट लाइन पे देखेंगे कि क्या आ रहा है। गाइस देखिए, वैल्यू 50 है और इस वैल्यू का जो एड्रेस है आपको दिख रहा होगा, ये
तो गाइस जो भी आज हम लोग सीखे हैं इसको समराइज कर लेते हैं, इसको समराइज कर लेते हैं। डेटा टाइप्स कितने तरह का होता है? तीन तरह का, वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप, क्वांटिटी डेटा टाइप। क्वांटिटी डेटा टाइप कैसे यूज करते हैं? क्वांटिटी डेटा टाइप्स अनसेफ कीवर्ड के माध्यम से यूज करते हैं। अनसेफ कीवर्ड को यूज करने के लिए सबसे पहले कंपाइल्ड विद अनसेफ चेकबॉक्स को चेक करना होता है प्रोजेक्ट के बिल्ड प्रॉपर्टी में जाके, ठीक है। वैल्यू डेटा टाइप जो होता है दो तरह का होता है, प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड में आपका इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, डेसिमल आता है। यूजर डिफाइंड में आपका एनम स्ट्रक्चर आता है। इसमें बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है अभी, अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम लोग इसमें डिटेल जाएंगे। रेफरेंस डेटा टाइप में भी प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड आता है। प्री डिफाइंड में ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग आते हैं, यूजर डिफाइंड में क्लासेस इंटरफेसेस आते हैं। सीधा सीधा समझिए, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड में क्या होता है। प्री डिफाइंड का मतलब होता है कि जो डॉट नेट अपने तरफ से, जो सी शार्प अपने तरफ से बना के देता है, इंटीजर उनका बनाया हुआ है, ठीक है। यूजर डिफाइंड का मतलब होता है कि जो हम बनाते हैं, जैसे हम लोग एनम बनाते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यूजर डिफाइंड है। बहुत याद रखने के लिए ना बहुत सीधा सीधा है, प्री डिफाइंड का मतलब होता है रेफरेंस में ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग जो कि हमें बना बनाया हम लोग यूज करते हैं। यूजर डिफाइंड में क्लासेस इंटरफेस जो हम बनाते हैं, तो बहुत सीधा सीधा है, समराइज कर रहे हैं इसको। थ्योरेटिकल जाएंगे तो यस, सी शार्प स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है। यहाँ पे किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को रखने से पहले हमको बताना होता है कि ये वेरिएबल किस तरह के वैल्यू को अलाउ करेगा, तो वो किस डेटा टाइप्स के माध्यम से वो चीज़ होता है। डेटा तीन तरह के होते हैं, वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप, पॉइंटर टाइप। वैल्यू टाइप वही होता है जिसका जो वैल्यू और उसका जो रेफरेंस है स्टैक में होता है। रेफरेंस टाइप वो होता है जिसका जो वैल्यू जो होता है हीप में होता है, उसका रेफरेंस स्टैक में होता है। और पॉइंटर वो होता है जो किसी भी वैल्यू की एड्रेस को होल्ड करके रखता है। और पॉइंटर यूज करने के लिए हम लोगों को अनसेफ कॉन्टेक्स्ट चूज करना होता है। आने वाले वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? सिक्वल सर्वर पार्ट टू, जहां हम लोग प्रोसीजर क्रिएट करेंगे, फंक्शंस क्रिएट करेंगे। हम लोग वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप के डिफरेंसेस को और डिटेल में देखने वाले हैं। हम लोग बॉक्सिंग वर्सेस अनबॉक्सिंग भी देखने वाले हैं गाइस। आने वाले समय में हम लोग डेली गेट्स और इवेंट्स देखने वाले हैं। आने वाले समय में हम लोग मेथड ओवर लोडिंग, मेथड ओवर राइडिंग देखने वाले हैं। आने वाले समय में हम लोग स्टैक, क्लास और इंटरफेस देखने वाले हैं। आने वाले समय में हम लोग डॉट नेट कोड विद रिएक्ट देखने वाले हैं। आने वाले समय में हम लोग टीपीएल और थ्रेड के भी डिफरेंस देखने वाले हैं। गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स गाइस। थैंक यू वेरी मच।